अपनी जिंदगी के 36 साल बिताकर सोनाक्षी सिन्हा मायके की दहलीज पार करने जा रही हैं। अपने महल जैसे बंगले रामायण से निकलकर सोनाक्षी पिया के घर जाने वाली हैं। महज एक दिन का वक्त बचा है जब सोनाक्षी का ये घर पराया हो जाएगा। 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से शादी रचाने जा रही हैं। शादी के बाद वो जहीर के साथ रहेंगी और उनका ये बंगला रामायण हमेशा के लिए उनसे छूट जाएगा। सोनाक्षी ने अभी तक अपनी 36 सालों की जिंदगी इसी घर में बिताई है। उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने इस घर में उन्हें राजकुमारी की तरह रखा। सोनाक्षी के विदा होने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं ये बंगला, जिसकी तुलना शाहरुख खान के मन्नत से की जाती है। कहते हैं कि इंडस्ट्री में शाहरुख के अलावा किसी स्टार का घर इतना खूबसूरत नहीं है। साल 1972 में शत्रुघ्न सिन्हा ने जुहू रोड पर बने इस बंगले को खरीदा था। शत्रुघ्न का परिवार धार्मिक है। उन्हें मिलाकर 4 भाई हैं। पिता ने चारों बच्चों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रखा। शत्रुघ्न सिन्हा परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं। उन्होंने परिवार की इस परंपरा को बढ़ाया और बंगले का नाम रामायण रख दिया। उनके सारे बच्चों का जन्म इसी घर में हुआ और परंपरा के हिसाब से उन्होंने बेटों का नाम लव और कुश रखा। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बंगले में 10 फ्लोर हैं, जिसमें 2 फ्लोर पर वो अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ रहते हैं। 3 फ्लोर उन्होंने अपने बच्चों लव कुश और सोनाक्षी को दिए हुए हैं। सोनाक्षी इस घर के टॉप फ्लोर पर रहती हैं। बाकी 1 फ्लोर पर जिम, 1 पर सिनेमा हॉल, 1 पर स्विमिंग पूल और बाकी में उनके नौकर रहते हैं। वैसे तो ये पूरा बंगला लग्जरी से भरा हुआ है, लेकिन सोनाक्षी ने अपने फ्लोर को खास तौर पर डिजाइन कराया था। आप देख सकते हैं कि सोनाक्षी के बेडरूम गहरे रंग के पैलेट की फील देते हैं। इसमें गहरे लेवेंडर रंग के पर्दे और मैरून कुशन के साथ लिविंग स्टाइल वाली कुर्सियां पड़ी हैं। एक मिनिमलिस्टिक लकड़ी की साइड टेबल जगह को पूरा करती है और साथ ही एक छोटा सा कोने वाला शेल्फ रखा हुआ है जिसमें ट्रिकेट हैं। इस फ्लोर पर ऑटोमेटिक कांच के डोर लगे हैं। कांच पर पिंक और येलो कलर किया गया है जो डिफरेंट लुक दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बंगले की कीमत करीब 125 करोड़ रुपए बताई जाती है। सोनाक्षी एक साल पहले तक अपने पूरे परिवार के साथ इसी बंगले में रहती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले उन्होंने अपना अलग 11 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया, जहां वो जहीर के साथ रहने लगी। सोनाक्षी अब शादी के बाद इसी घर में जहीर के साथ रहेंगी। उनका ये रामायण वाला बंगला अब पराया हो जाएगा। भले सोनाक्षी इस घर में आती रहेंगी, लेकिन अब ये उनका मायका ही कहलाएगा, जिसकी दहलीज वो पार कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।